दोस्तों गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस बार तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। ऐसे में अगर आप एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जी हाँ दोस्तों, 2022 में रियलमी ने अपने एसी लॉन्च कर दिए हैं, जो एसी काफ़ी कम दाम में आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में आते हैं, साथ ही काफ़ी अच्छी स्टार रेटिंग के साथ में आते हैं, जिससे आपकी बिजली की बचत भी होती है। तो दोस्तों रियलमी एसी के कौन कौन से मॉडल आते हैं और उनमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, साथ ही आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, किस टन का लेना चाहिए, किस स्टार रेटिंग का एसी लेना चाहिए, सभी विषयों में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फोडेज में। मेरा नाम है अमित। दोस्तों रियलमी ने अपने एसी के 3 मॉडल लॉन्च किए हैं। रियलमी इनको रियलमी टेक लाइफ के नाम से प्रमोट करता है। सारे एसी के मॉडल आपको केवल फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे, जहां से आप इन्हें ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें तो 3 एसी में सबसे पहला मॉडल जो है वो 1 टन का 4 स्टार का एसी है। सारे ही एसी आपको स्प्लिट एसी मिलेंगे, इन्वर्टर एसी मिलेंगे। दूसरा मॉडल की अगर हम बात करें तो दूसरा मॉडल जो है वो भी 4 स्टार रेटिंग का ही है, 1.5 टन का है। और अगर तीसरे मॉडल की बात करें तो 1.5 टन में ही है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। अगर इनके फीचर्स की हम बात करते हैं तो सारे ही एसी में आपको मोड मिल जाएंगे। ये मोड आपके एसी को वेरियस कैपेसिटी पे चलाने में सक्षम है। जैसे कि पहला है मी टाइम, जिसमें आपका एसी 0.7 टन चलेगा यदि आपका 1 टन का एसी है, और अगर आपका 1.5 टन का एसी है तो वो आपका 0.9 टन पे चलेगा। ये सारे मोड्स बेसिकली आपकी एसी को वेरियस कैपेसिटी पे चलाने में सक्षम है। आपका 1.5 टन का एसी 0.9 टन पे भी चल पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को बचाने में आपकी हेल्प करेगा। साथ में ही अगर आगे के फीचर्स की बात करें तो जो स्टार रेटिंग है वो 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग है। आपका जो कंप्रेसर है उसकी वारंटी 10 साल की है। और साथ में अगर बात करें तो इनसाइड और एक्सटर्नल यूनिट में भी 100% कॉपर का यूज़ किया गया है, कॉपर पाइप हैं, और जो इसके कंडेंसर हैं एक्सटर्नल यूनिट के वो भी कॉपर के ही हैं। साथ में हाई स्पीड वाला फ़ैन आपको मिल जाता है। और अगर आगे बात करें तो आपको ब्लूफिन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि आपकी एसी पे ड्रॉपलेट्स को जमा नहीं होने देता है, कोई भी प्रकार का सॉइल नहीं बनने देता है, जिससे कि काफ़ी अच्छी कूल एयर मिलती है आपको और फ्रेश एयर मिलती है। साथ में इसमें ऑटो क्लीन सिस्टम है और बिल्ट इन डस्ट फिल्टर भी मिल जाएगा। आगे बात करें तो मोड्स की, तो आपको इसमें सारे ही मोड्स मिल जाएंगे, जैसे आपको मॉइस्चर के टाइम के लिए ड्राई मोड भी मिल जाएगा, स्लीप मोड भी मिल जाएगा, और इको मोड भी आपको इसमें मिल जाएगा। और आगे बात करें तो डिज़ाइंड एंड इंजीनियर इन इंडिया है, और अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बोलें तो ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई भी एसी परचेस करें और आपके एरिया में अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो आप एक स्टेबलाइजर ज़रूर खरीदें। आप चाहें तो वी गार्ड या माइक्रोटेक का स्टेबलाइजर ले सकते हैं, 150 वाट का या फिर 170 वाट का आप स्टेबलाइजर परचेस कर सकते हैं आपके यहाँ के वोल्टेज फ्लक्चुएशन के हिसाब से। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको रियलमी के जो एसी हैं वो मार्केट में अवेलेबल एसी से थोड़े कम दाम में मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी स्टार रेटिंग के साथ मिलते हैं। साथ में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी आपको एडवांस ही मिलती है, 4-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, ब्लूफिन टेक्नोलॉजी भी आपको मिलती है। अगर बाहर का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है उसमें भी ये एसी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि इनमें 100% कॉपर कंडेंसर का और इनसाइड यूनिट में भी कॉपर पाइप का ही यूज़ हुआ है। और इन सारे फीचर्स के साथ रियलमी टेक लाइफ के एसी आपको मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपको स्टार रेटिंग में कौन सी स्टार रेटिंग का एसी लेना चाहिए, और टन की अगर बात करें तो कौन से टन का एसी किस रूम साइज के लिए अच्छा है और कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों आगे की बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे कि हमें किस टन का एसी अपने रूम के लिए लेना चाहिए या अपने यूज़ के लिए लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके रूम का साइज 130 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट तक का है तो आप 1 टन का एसी आसानी से उसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका रूम का साइज उससे ऊपर है, जैसे कि 170 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक, तो उसमें आप 1.5 टन का एसी यूज़ करें, जो कि आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग देगा, साथ में ही आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी सेव करेगा। क्योंकि अगर आप अपने रूम की कैपेसिटी से कम कैपेसिटी का एसी अपने रूम में यूज़ करेंगे तो उससे आपके कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा
कूलिंग अंदर बनाने के लिए, और जिससे आपकी बिजली की खपत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और दूसरा फैक्टर ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि अगर आपका रूम ऐसी जगह पर है जहाँ पर चारों तरफ से वो दीवारों से घिरा हुआ है या दूसरे कमरे से घिरा हुआ है और वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो इन केसेस में आपके रूम में कूलिंग जल्दी हो सकती है और उसके लिए आपके कंप्रेसर को उतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको 1 टन का एसी या 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। केवल अकेली रूम साइज मैटर नहीं करती है। मोटा मोटा हिसाब आप समझ लीजिए कि 130 स्क्वायर फीट से लेके 170 स्क्वायर फीट तक के रूम में आप 1 टन का एसी लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छे से काम करेगा, सब्जेक्टेड टू अगर उसमें डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा ना पड़ती हो तो। और अगर आप 170 स्क्वायर फीट से लेकर 220 स्क्वायर फीट तक के रूम में 1.5 टन का एसी लगा लेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। और अगर स्टार रेटिंग की हम बात करें तो आप 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग का एसी ले सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। इनके प्राइस 5,000 से 7,000 वेरी करते हैं, मगर स्टार रेटिंग का सीधा सीधा रिलेशन आपके यूटिलाइजेशन से है। सपोज़ आपका एसी 2 या 3 घंटे चलता है या 4 घंटे चलता है और आपको केवल गर्मियों के महीने में एसी यूज़ करनी है, केवल 2 महीने 3 महीने, तो इस कंडीशन में आप 3 स्टार 4 स्टार एसी ले सकते हैं, जिससे आपके बिल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट 4 स्टार 3 स्टार एसी से नहीं पड़ेगा। और अगर आपका एसी ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा चलता है, 10-12-14 घंटे रेगुलर चलने वाला है दिन में और 3-4 महीने 5 महीने चलेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर 5 स्टार एसी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 5 स्टार एसी वहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा बिजली की बचत देगा और आपके पे करने वाले प्राइस के कंपैरिजन में वो काफ़ी सही रहेगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टन का एसी लेना है और कौन से स्टार रेटिंग का एसी लेना है। इस वीडियो में हमने बात की है रियलमी के एसी के बारे में। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आने वाले वीडियो में मैं रियलमी की एसी की अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, सारे चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस हैं तो वो, कहाँ एसी लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी दे दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे इन्फोडेज, मेरा नाम है अमित, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।